आपके हस्बैंड नहीं करते थे ट्रीटमेंट आपका? सबको भी एक आध होकर ऐसा लेके जाते थे, हस्बैंड अगर लेके गए तो साल बात करते थे, मेरे वाली तरह करते थे दोस्ती। मेरी वाली साहब और ससुराल में रहती थी मैं, मेरे सीए जनों के मेरे से शादियां करा लियो लगा, एक जेल के देवर की एक ननंद की भी शादी करा लियो, उसके बाद में पूछते नहीं। यहाँ पर मेरे को मतलब जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई, उसके बाद आपकी वैल्यू खत्म हो गई। वैल्यू खत्म हो गई, मेरे को 3 से 4 दिन यहाँ पर रहने न देते थे भैया, 3 से 4 चौथे। आज क्या हुआ? उन्होंने आए थे देखिए, रात में आए नो, उनकी नाइट ड्यूटी है, रात में आए नो, आके बैठे करे, उनका फोन का पासवर्ड भी सब चेंज कर लिए, आके बैठे मैं शहरी का पकाई, मेरे वालदा का वालदा ही पकाते हैं बैठा, तो मैं शहरी का पकाई, उन्होंने है ना बोलते शहरी का पकाने करके उनको जल्दी वो दे दी, खाना दे दी, खाना दे देखे, अब मैं क्या करी, उनका फोन ले लेके बैठी भैया, फोन ले लेके बैठी, फोन का लॉक भी चेंज, पासवर्ड भी चेंज था, मेरे को वो मालूम था, तो मैं खोल दी, खोलने के बाद में वो लड़की की फोटो उनकी बहन की चैट में देखी, तो उनकी बहन की चैट में लड़की की फोटो दिखी, तो मैं पूछी उनसे ये कौन है, वही भाज भट्टी जी के साथ में हनुमान जी खा रहे, वो लड़की को ले लेके गए भैया, मेरी जिंदगी तो लड़की को ले, बोल रहे थे शादी को, शादी कर लिया बोल के बोल रहे लगे सर, आप बोले कि यहाँ पर आप लोग के सामने बोले उन्होंने शादी कर लिया, मैं बोल के बोले 3 महीने हो रहा था कहते शादी हो गए, उनको बोलती थी मैं आती घर, उनका बोलना है कि उन्होंने आपसे इजाज़त ली है शादी की, बिल्कुल भी नहीं दिए सर, इससे पहले कि भाई मेरी ये सेकंड मैरिज है सर, कोई औरत इससे पहले कभी सेम मेरा ये केस हुआ सर, वो औरत से दूसरी शादी में कर लिए मेरे हस्बैंड पहले के एक्सेंड में बोल के सब लोग खुला ले लिए सर, तो आप मैं वही सेम रिपीट में कर सकती हूँ सर, मेरी आप लोग बोलिए सर बात, अब मेरे को सर इंसाफ हो ना सर, ना तो मैं सुसाइड कर लूँगी सर, वो औरत वो ना आके सर उन्होंने मेरी जान को धोखाए बोले सर, मैं हमारे वालिद के पास जब से आई गई सर, मेरे बाल बुल्लो के बाल के बाल का भी नहीं रखा तो नहीं सर, सर मेरे ऊपर ने कितने की तरह करे हरासमेंट करे, राज्य का जाने को ये रोटी भी दबा दिए सर, और सर कभी भी मेरे को मैं बोलती थी अलग लेके रहो बोलते कभी अलग लेके रह रहते थे सर, मैं आपके आपके साथ जब टॉर्चर करते थे अब उसकी कंप्लेन नहीं करा, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दी सर पूरा, क्या आप लोग इंसाफ या थोड़े दिन के लिए करते हो लोग छूट जाते हो होता कुछ भी होता है, उसके बाद ही अल्लाह लेंगे अल्लाह की पकड़ चलो कहाँ जाएंगे, बोल के मैं 4 दिन तक मेरा हस्बैंड का भी मेरे साथ बुरा बुरा करेगा, वो भी सर मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दी सर, ये भी मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दी सर, 3 साल में सबर करके कितना टाइम हुआ बोल रहे हैं शादी करके, अभी मेरे को जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले बोले सर आप लोग के सामने 3 मंथ थोड़ा बोले सर, आप से पहले ना 7 मंथ से सर 7 मंथ से रोल से पहले 7 मंथ से उन्होंने एक दिन और एक दिन आते थे, आप कुछ दिन से सर उन्होंने 4-4, 5-5 दिन मेरे पास या घर को नहीं आ रहे सर, उनका बोलना मेरे को ना आप रजाइट भी नहीं देते थे सर, कुछ नहीं देते, उनका बोलना ये है कि आपको बच्चे नहीं होते बोल के शादी करे बोल सर, आप प्रेग्नेंट होने के बाद करें शादी पहले करें, सरासर गलत है सर, सर मेरे रब की कसम सर, मेरे रब की कसम मैं किसी की कसम नहीं खाती, मेरी रब गवाह है सर, उन्होंने मेरी शादी के बाद से जो टॉर्चर करते थे सर मेरे को, इससे पहले उसकी भी सेकंड मैरिज है सर ये, इससे पहले भी उन्होंने क्या करते थे वो फर्स्ट वाइफ को भी सेकंड शादी कर लेते हो बोल के उन्होंने बोलते थे उनकी फितरत में था सर, वो आज उन्होंने सर मेरे को बहुत बुरा उन्होंने जा रहे थे तो मेरे को फोटो देखने के बाद उनके फोन में उन्होंने ये कौन है पूछी तो कुछ नहीं बोल रहे सर, उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे, तो मैं मेरी बहन को लाके बताई, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ सर, लाके बताई सर, उसके बाद में वो जा रहे थे तो मैं नहीं जाने दी, खाली कुंडी लगा दी, तो मेरे को धकल धकल के मार रहे सर, धकल के मारे मेरी जान को धोखा, मैं बोले आप
नहीं होता, हाथ नहीं लगाते, इससे आप मेरे को नको हटा के, आप मेरे को नुकसान होगा, बस बुरा मारे सर, बस बुरा मारे सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। देखिए मैं कानून से मेरे घर का देखिए, मैं तो इंसाफ होना, मेरे को कोई से क्या देखिए, इस कानून पे पूरा भरोसा करके अल्लाह के बाद मेरे को बेटा नहीं है, दो इसमें क्या, बहुत मुश्किल से मेरे शोहर ऑटो चलाते, रह किराए का घर है हमारा, बहुत मुश्किल से हम ना पढ़ाए लिखे, मेरे बच्चों को डिग्रियाँ कराई मैं अल्हम्दुलिल्लाह, काम में हर चीज में मेरे बच्चे बहुत अच्छे खूबसूरती में, एक बच्ची एमएलबी कर रही, एक बच्ची डिग्री करी, मेरी बच्ची 18 साल में पहले शादी कर चुके थे, उन्हें भी फ्रॉड निकला, वो शादीशुदा था करते, उसको तीन शादियाँ थे, कोयत में था तो मेरे ससुरे सदर थे, सदर थे मेरे ससुरे, उन्हें बोले जिंदा है, बोले कोयत में शादी होके दूसरी शादी कर ले, लेकिन माँ बाप की खिदमत कैसे छोड़ दिया, तो वो फोटो हमारे पास आए तो वो छोड़ दिए, हम लोग उसको छोड़ दिए थे, छुड़ा दिए, छुड़ा देने के बाद ये पहचानत के थे बोल के, ये बच्चे की भी पहले शादी हुई थी, शादी तो बहुत टॉर्चर करके, वो बच्ची को एक लौटी एक बच्ची थी ऑलरेडी, अब हाजरा मस्जिद के बाजू गेट में, अभी क्या कर रहे हो आपके बच्चे को छोड़ के और एक शादी कर लिए, तो उन्होंने बच्ची भी ऑलरेडी अच्छी थी, उसको छोड़ देने के बाद ये भी छोड़ा, तो आए थे जम्मा पा रहा था, पढ़ के आए थे, मैं बोले ठीक है जान दो पैसाना फिर जिंदा रहना चलो बोल के दिन के वास्ते करके मैं कर दी, करने के बाद उनको बच्ची को घसाए घसाए 11 महीने की 11 दिन की प्रेगनेंट थी मेरी बच्ची, कंसीव हो गया था प्रेगनेंसी, आए थे क्लिनिक करने गए तो प्रेगनेंसी कंसीव है बोल के बोले, प्रेगनेंसी कंसीव है बोले, तो कैसी प्रेगनेंसी, कुछ भी नहीं है, बेड रेस्ट विड्रेस नहीं है बोले, अस्सलाम वालेकुम, बेड रेस्ट नहीं, एक मिनट है, बेड रेस्ट बोले तो बेड रेस्ट विड्रेस कुछ भी नहीं है बोल के चुप चाचर करके, एक बार पहले भी मियाँ बीवी के बीच में आके चुप कर मेरे को काला जादू हो गया, मेरे को क्या हो गया कि तुम्हारे पे आदत पे मेरे को असर आता बोल के, वो ही जाके फांसी ये आदत क्या करे, चलो मेरी बीवी को मार दे तो तुम क्या हुआ बोल के, लेकिन चलो चलो उठाते ना बोल रहे बिल्कुल नहीं, पहले एक बार जिंदगी ऐसी हो गई, फांसी देने की कोशिश कौन करे, बहुत चाचर हरासमेंट बहुत करती थी, कंप्लेन कराए थे उसकी, मेरा काला जादू हो गया बेटे मैं सबको बोलो कि स्कूल बोला तो बच्ची नहीं बोले, फिर कोरोना हो गया तो ट्रीटमेंट करी मेरी बच्ची सास को, पूरा एम ए करी खाना भी सास भी करी, मेरी बच्ची कोरोना हो गया तो भी नहीं बोली मेरी बच्ची, एक बार होगा मेरी अम्मा की तबीयत खराब रहती कभी कुछ कभी कुछ अच्छा हॉस्पिटल से इससे चिट्ठिया है मेरे मेरे को, मैं पूरा बीमार हूँ, मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता बोलते, मैंने इनके गोलियाँ खाते रहती तो इतना सा टाचर करे तो मैं बोली जाऊँ, ये मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम है मेरे हार्ट का ब्रेन का, तो सुनिए फिर क्या करें, अब बच्चे में हो गया चॉकलेट सिस्ट का ऑपरेशन हुआ मेरी बच्ची का, चॉकलेट सिस्ट शादी होने के बाद फिर 7 महीने के बाद चॉकलेट सिस्ट हुआ होने के बाद फिर क्या करें, प्रेगनेंसी कंसीव होना बोले तो अब उसको घसा दे रहे प्रेगनेंसी कर रहे बोली, नहीं सर बेड रेस्ट बर्तन लगे ऐसा क्लिनिक में बोले ऐसा मैडम बोले, इनको कंप्लीट बेड रेस्ट देना, एक बार सुबह से फिर से इनको अच्छा सा केयरफुल रहना बोली भी सर, आपके दामाद शादी करे बोल के कब मालूम हुआ आपको, नहीं आपको मैं तैयारी कर रहा हूँ की पका के खिला के तैयारी करी, कितना टाइम हुआ शादी करके बोले, 3 महीने में तो बड़े बच्चे 5वां महीना प्रेगनेंट है, मैं प्रेगनेंट होने के बाद करना तो पहले करना था, नहीं हो रहे बोल के करना था, बोल के करना था, तुम बोले थे शादी कर मानी तुम बोलते मर जाए 80 साल का बुढ़ा भी बोलता उसमें क्या है बेटे, बोल चुकी मैं मजाक मजाक समझे लेकिन उन्होंने साइन भी कर, देखिए एक बार एक मेन बात है मेरे लिए, मीठे को भी डालो आप लोग, एक बार मेरी बच्ची की जिंदगी टूटने के बाद दूसरी तीसरी शादी कर लो कौन बोलते, और हम कैमरा को बोल के लाए मैं बच्चे को प्रेगनेंट होने के बाद देखती हूँ, मतलब लेके जब 1 साल तक बोलते 1 साल तक कैसा बोले भाभी, मैं आज तक लड़ी आती जल्दी जरा प्रेगनेंट बेड रेस्ट लेके भिजा देती हूँ, बोलते एक फोन लेकर पूरा ब्लास्ट कर दिया, पूरा सामान निकाल दिया मेरे बच्चे से, वो घर को कोई भी नहीं निकाल दिया, गल्ला घर का मशहूर घर है वो कोई ना लेते थे, नजीब के पूरे लोगों को मालूम हम ना कैसे है, तो आज शहरी में आपके दामाद क्या करे, आपके शहरी में मैं उठी बच्ची उठी थी, माँ बनाई रोटी बने सालन वो अच्छा खाना निकाले खा लिया करें, इनका फोन खराब हो गया था तो पुराना फोन देता खराब हो गया था तो बनाने लेके गए तो मैं तो फोन बना लेके दे देते वही दिए, तो मैं कुछ भी अच्छा बुरा देख लेते रहती अभी शाम से बैठी करके, मैं यहाँ तक हम ना फोन लेने का बैठे फोन लेने का बैठे ऐसा बैठे तो उसमें फोटो बताते किसकी है बता, मैं दूसरी शादी तो तुम सही बोला मैं यहाँ तुम सही बोल रहे हो, मजाक भी नको करो, मैं तबियत खराब हो रही मैं नको बोला बता, मैं आवाज ऐसे यहाँ देखो तो मेरे को मैं बड़ा ना करा मेरी तबियत
हाँ मेरे को नहीं मालूम था, नहीं मालूम था जो ना एकदम चीफ मारे, चीफ मारे तो क्या हुआ बोलता जो मैंने आगे नहीं मारे थे तो पचपन मार कौन मारे थे आगे आगे पचपन मारे किसको मार रहे थे बीवी को, तुम सही बोलो ना तो मैं मर जाती हूँ तुम्हारे बाहर आने से दरवाजा खोले के भाग रहे थे तो नहीं जाना तुम बोलते पचपन मार दिए, मार देने के बाद मार दिए, मार देने के बाद मैं क्या हुआ क्या हुआ अरे बेटे तुम बोलो सही बोलो जो खाली मजाक भी नक्को पर रखना चाहता मैं जीत कभी मर जाती मेरी बच्ची मर जाती बहुत परमा बड़ा सास ससुर खिदमत करके पूरे दौरान देखने को लाते डेकोरेशन कराए सवाली मेरी बच्ची है ना लंकू करी दिए टंकू करी सबको करी अल्लाह के वक्त में सुनता दिला था उसको उठा ले सुना दो नहीं तो उसको जाकर उसको छुड़ा दो मेरी बच्ची को आप ना कंप्लेन कराए नहीं अभी आए थे ना पुलिस वाले आए थे ना अभी कहाँ हैं इनके आपके दामाद कहाँ हैं अभी पुलिस वाले लेके गए लेके गए उनको उनको पता क्या बोल रहे पुलिस वाले क्या करने का पैसा खिला तो कुछ भी नहीं करता मैंने तुमने नहीं कर नहीं कर ना बोले थे मजाक में बोले समझे पुलिस वाला क्या करने का पैसा खिला के मुँह बचा सकते तो जितने के सामने हो रहे फोन रखता नहीं पैसे की तो बात है सर उन लोगों को भी सेम है मेरे जैसे पैसे सामने से कभी मत ना नहीं कर लवी अल्लाह के हां हां जी हमें से बचना नहीं ना मिलना ना सेम पैसे के बिना कैसे मतलब जिंदा है यार सो ज्यादा टॉर्चर करते थे सर मेरे ठीक है सर को इंसाफ चाहिए सर मैं तो मैं दोनों को खुशी करने का तो मैं छुड़ा ही कर लेते सर मैं बेटा नहीं है ठीक है ठीक है।